नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी YouTube चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। आज हम आपको अवतल दर्पण में रिलेशनशिप बताएंगे। वह रिलेशनशिप हमारा क्या होगा, UVF में संबंध होगा। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारे एग्जाम पॉइंट के व्यू ऑफ के लिए। चलिए देखते हैं कैसे इसका निगमन करते हैं या फार्मूले का डेरिवेशन। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला क्या है, 1 upon F = 1 upon V + 1 upon U। हम आपको बता दें, यहाँ पे आपका जो F है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और आपका जो V है वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका U है वो वस्तु की दूरी होता है। अब देखिएगा कैसे हम लोग इसका निगमन करेंगे। इस निगमन को अच्छे से ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, याद रखेंगे ये आपका क्या हो गया, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको पता हो जाना चाहिए। अवतल दर्पण होता है क्या बच्चों? अवतल दर्पण वह होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, कलाई की जाती है। उभरे हुए पृष्ठ का यह मतलब होता है, जैसे ये आपका देखिए फिंगर है, पूरा हाथ हैंड है। इस हैंड में देखिएगा, ये आपका अंदर का पृष्ठ है और ये आपका क्या है, थोड़ा उठा हुआ टाइप का है। जो उठा हुआ होता है और उसी पे क्या किया जाए, पेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, और अंदर में प्रकाश का क्या किया जाए, परावर्तन, उसी को ही कहते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिएगा वही केस अप्लाई होगा। यहाँ पे उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन, दबे हुए तल पर अंदर होगा आपका परावर्तन। यहाँ देखिएगा, ये आपका यहाँ से एक मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष से चलने वाली सीधी यहाँ पे की वस्तु है। इस वस्तु का नाम क्या रख लेते हैं, ए बी। ठीक, अब ए बी से चलने वाला जो आपका प्रतिबिंब होगा, ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, वह अवतल दर्पण पे जाएगा और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ये चीजें हो गई। और जो अगली केस यहाँ पे बनती है वो बनता है कि वस्तु से होकर प्रकाश की वस्तुएं प्रकाशित केंद्र से आती और जाती हैं। तो यहाँ से एक प्रकाश आएगा और यहाँ से आपका वक्रता केंद्र से चला जाएगा और इसका नाम क्या पड़ जाता है, सी। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं उसी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ हमारी प्रतिबिंब बन गई, वो प्रतिबिंब क्या है, नाम रख लेते हैं। नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम ए डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश। अब देखिएगा ये आपका क्या है, मुख्य मेन पॉइंट है, जिससे हम लोग ध्रुव बोलते हैं। जो ध्रुव है इसको किससे दर्शाते हैं, पी से, और इसका एक नाम रख लेते हैं एम। क्या नाम रख लेते हैं, एम रख लेते हैं। अब यहीं से देखेंगे इनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। देखिएगा यहां से पी हमारा क्या है, ध्रुव, पी से लेकर ए के बीच की दूरी। यहां से देखेंगे पी से लेकर ए के बीच की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी, क्योंकि देखिए यहाँ पे वस्तु है। हम आपको बता दें अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस फोकस दूरी, माइनस वक्रता त्रिज्या, माइनस और प्रतिबिंब की दूरी, माइनस। तो सारी वस्तुएं माइनस में होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आपका हो जाएगा यू। अब देखिएगा पी से लेकर सी के बीच की दूरी ये आपका हो जाएगा माइनस आर। पी से लेकर ए डैश के बीच की दूरी, यहां देखिएगा पी से लेकर ए डैश के बीच की दूरी यहां पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस वी। और पी से लेकर एफ के बीच की दूरी ये आपका हो जाएगा माइनस फोकस दूरी एफ। ठीक, ये आपका नामकरण हो गया। अब इन्हीं नामकरण से हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। हम आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा ये आपकी क्या होती है, लंबवत होती है, एकदम यहाँ की जो दूरी होती है एकदम हल्की होती है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम होता है एम पी एफ, और दूसरी त्रिभुज क्या बनती है, एफ ए डैश बी डैश, और तीसरी त्रिभुज क्या बनती है, ए डैश बी डैश सी, और चौथी क्या बनती है, सी ए बी। इन त्रिभुजों से चार त्रिभुज बन गए, और चारों त्रिभुजों से दो दो के जोड़े में हम लोग समरूप नियम का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। समरूप नियम का यह फॉलो क्या करता है, समरूप नियम का यहाँ से जो पहचान होती है, पहले वाले लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले वाले का आधार बटे दूसरे का आधार।
तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, उन त्रिभुजों का नाम रखते हैं। तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा त्रिभुज होगा वो त्रिभुज क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज एम पी एफ तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश से समरूप नियम। अब हम लोग इन दो त्रिभुजों में समरूप नियम को फॉलो कराएंगे। समरूप नियम हमने आपको बताया, पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब। अब देखिए लंब पहले वाले का क्या है, एम पी, तो क्या हो जाएगा एम पी बटे दूसरे त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज हमने बताया ए डैश बी डैश, तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू पहले वाले त्रिभुज का आधार क्या है पी एफ, क्या है पी एफ, और जो दूसरे वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा एफ ए डैश। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन वन हो गया, समीकरण एक। अच्छे से देखिएगा, अगर जो टॉपिक या जो यहाँ पर नहीं समझ आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका पूरा निराकरण बताऊंगा। अब देखिएगा ये हो गया, और अगला टर्म यहाँ पे क्या बनता है, जो अगला कंडीशन होगा ये एक एक यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला जो मैंने देखिए सेकेंड पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट का नाम रख लेते हैं, नाम क्या होगा बी ए सी, त्रिभुज क्या होगा यहाँ पे त्रिभुज नाम रखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से समरूप नियम के द्वारा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ भी समरूप नियम को फॉलो कराते हैं। अब इसी त्रिभुज से हम लोग समरूप का नियम देखेंगे, जो आपका यहाँ पे समरूप का नियम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले कलम, पहले वाला कलम क्या है ए बी बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू पहले वाले का आधार क्या हो जाएगा सी ए, और बटे दूसरे वाले का आधार क्या हो जाएगा ए डैश सी। अब यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना, तुलना उसी केस में करते हैं जब किसी एक वैल्यू का मेल होता है, लेकिन इनमें पूरी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो मैच करने के लिए कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ एम पी अपान ए डैश बी डैश है, लेकिन यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश है। तो हम क्या करेंगे, जहां देखिएगा ये ए बी है, ए बी का मान क्या है एम पी, हम आपको बता दें ये क्या होती है, समांतर होती है। जब कोई वस्तु एक स्थान पे समांतर है उसका लास्ट जहां होगा वहां भी वो भी समांतर होगी। अगर स्टार्ट से 5 मीटर है लास्ट भी क्या होगा 5 मीटर, क्योंकि समांतर में दूरियां सदैव बराबर होती हैं। तो यहां पे क्या होगा, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा एम पी। तो हम लोग एम पी के स्थान पर ए बी का मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो वो मान हमारा क्या होगा भैया, तो मान रखेंगे समीकरण एक में, समीकरण में एम पी की जगह ए बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपान एफ ए डैश। ये समीकरण एक, ये दो, और ये क्या बन जाएगा 3। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण दो तथा तीन से तुलना करने पर, समीकरण दो तथा तीन से तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं जो वैल्यू सेम रहती है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। कटने का यह मतलब यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ बचेगा सी ए अपान ए डैश सी इक्वल टू पी एफ इक्वल टू एफ ए डैश। अब यहाँ देखिए बस, अब इस ये इनका हम क्या कर देंगे, मान रखने पर क्या करेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर, अब इसका हम मान रखते हैं। सबसे पहले क्या आ गया सी ए, देखिएगा सी ए, अब सी ए की पूरी वैल्यू हमको नहीं पता, जब सी ए की पूरी वैल्यू हमको नहीं पता तो
तो इसको पता करने के लिए हम लोग कुछ आइडिया ट्रिक निकालते हैं कैसे वैल्यू इसका रखा जाएगा कि जैसे आपके इक्वेशन को पूरा सॉल्व हो जाए। तो हमने यहाँ आपको एक रूल बताते हैं, उस रूल को अच्छे से समझिएगा तब आपको आसानी से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया, सबसे पहले क्या है P, फिर यहाँ पे क्या F, यहाँ पे क्या है A डैश, C है, फिर आपका क्या है भैया A है। इतनी चीजें यहाँ पे है जो आपकी मुख्य अक्ष है। अब देखिएगा हमको पहले क्या निकालना है सी ए। मैं आपको पहले समझा देता हूं, जैसे अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है ठीक, और उसी 10 किलोमीटर जाने के लिए बीच में एक नहर पड़ता है जो आपके चलने से 8 किलोमीटर पे है। टोटल दूरी आपको 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन जब आप 8 किलोमीटर जाएंगे तो आपको एक नहर पड़ेगा ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हमको नहर तक जाना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, कितनी दूरी होगा नहर के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे पूरी दूरी हमको पता है 10। लेकिन लोग कहते हैं जो नहर और पूरी दूरी जो है उसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो अगर हमसे कोई पूछा नहर तक जाना है तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमें पूरी दूरी पता हो जाएगी कितनी दूरी हमको चलना है। फिर वही चीजें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P, F, A डैश, C और A, यहाँ हमको पूरी दूरी पता है। ये क्या है, हमको मान किसका ज्ञात करना है, सी ए का, इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन इसका मान हमको पता नहीं। पता किस कितने का है, इस पूरी का, इस पूरी का मान पता है क्या होगा, माइनस वहां पे लिखा गया माइनस यू ठीक, और यहाँ की दूरी क्या पता है आपको, माइनस आर। तो मैं क्या करूंगा, माइनस यू में से माइनस आर को घटा दूंगा तो हमें सी ए के बीच की दूरी पता चल जाएगी, बस वही होगा। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, माइनस यू, और माइनस होता है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा आर, माइनस माइनस प्लस तो आर हो गया। अब यहाँ देखिए ए डैश सी, ए डैश सी, अब यहाँ की पूरी बीच की दूरी क्या पता है आपको, माइनस आर, और इसकी बीच की दूरी हमको क्या पता है, माइनस वी, प्रतिबिंब की दूरी है माइनस वी, वहां देखिएगा ये पी ए डैश। तो हम पूरे आर में से वी को घटा देंगे तो हमें कितने की वैल्यू पता हो जाएगी, इनकी बीच की दूरी पता हो जाएगी। तो हम क्या रखेंगे, यहां लिखेंगे क्या, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू। अब देखिए PF, PF की पूरी दूरी हमको पता है, PF की बीच की दूरी माइनस F, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस F, और अगला क्या है F A डैश, F A डैश, इतने की बीच की दूरी पता है करना है। तो इतने की बीच की दूरी को पता करने के लिए क्या करेंगे, V में से F को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस V और प्लस F हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा माइनस वी और आपका क्या हो जाएगा प्लस एफ। बस अब इन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हमारा संबंध है वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू का है, तो वहां पे आर आ गया, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, तो यहां से R बराबर क्या होगा 2F, ये वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, R का मान यहां से रख देंगे। देखिएगा जब यहां से R का मान रखेंगे यहां पे क्या होगा माइनस यू और ये क्या होगा प्लस टू, R की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 2F अपान यहां पे प्लस माइनस 2F और प्लस V इक्वल टू माइनस F और यहां पे माइनस V प्लस F। अब यहां से क्या कर देंगे, तिर्यक गुड़ा कर देंगे, अब इनका क्या कर दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुड़ा। तो तिर्यक गुड़ा करेंगे यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस यू वी, अच्छे से देखिएगा यू वी, और यहां ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस का गुड़ा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा टू एफ, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2f और ये आपका माइनस है,
यहां देखिएगा, ये माइनस है, माइनस का गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस यूवी, और माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा टू एफ वी इक्वल टू, सॉरी आगे देखिए इसमें और कुछ भी है प्लस, ये प्लस का गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा यू एफ, और देखिएगा इसके गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एफ स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ का गुणा इसमें भी कर देते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, और यहाँ का गुणा करेंगे प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा एफ वी, अब देखिएगा बराबर है टू एफ स्क्वायर और यहाँ की वैल्यू भी बराबर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यू वी माइनस टू एफ वी, और आपका क्या हो जाएगा यू एफ, और इस साइड ये माइनस है माइनस इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस एफ वी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ यू वी माइनस, यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 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 का चिन्ह बड़ा है घट जाएगा तो एफ वी, और यहाँ पे माइनस यू एफ इक्वल टू क्या हुआ जीरो। अब क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से, यू वी एफ से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यू वी, यू वी एफ माइनस एफ वी, एफ वी यू माइनस यू एफ यू एफ वी इक्वल टू जीरो, यहाँ देखिए यू वी से कैंसिल एफ वी एफ, तो आपका बचेगा क्या वन अपान एफ माइनस वन अपान यू माइनस वन अपान वी इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमने क्या कर दिया f को इधर ही रहने दिया, माइनस वन अपान यू को इस साइड ले गया तो प्लस हुआ, और v को इस साइड ले गया तो प्लस हुआ, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया वन अपान f इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू इक्वल टू, जो आपका एक अवतल दर्पण का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था।